वसई विरार मनपा की सामान्य जनता को कोरोना वायरस से बचाने के लिए एवं उन्हें इस वायरस से दूर रखने के लिए वसई विरार मनपा के कुछ नगर सेवक एवं कार्यकर्ताओं ने मनपा की बसों को सैनिटाइज करवाया। एक तरफ देश में चारों तरफ कोरोना का कहर जारी है, ऐसे में वसई विरार मनपा भी अपने माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए इस बारे में जानकारी दे रही है। वहीं क्षेत्रीय पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक व कार्यकर्ता ऐसे में मनपा की बसों को सैनिटाइज करवाते हुए साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं ताकि कोई भी यात्री इस महामारी का शिकार ना हो जाए। साहब, वसई विरार शहर महानगर पालिका के परिवहन सेवा में से जितने भी प्रवासी हमारे यहाँ गांव तक जाते हैं, बम्बई से आ रहे हैं, अपने ऑफिस से आ रहे हैं, तो अभी का आपको मालूम है कोरोना तो चालू है, सब बम्बई में फैला हुआ है, महाराष्ट्र में फैला हुआ है। तो हम हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर और हमारे आमदार खिजी दादा इनके वजह इनके साथ साथ ये लोग हम लोगों ने ये ऐसा तय किया है कि हमारे ये गांव में रहने वाले हमारे शहर में रहने वाले लोगों को इसकी लागत ना हो, तो इसलिए हम लोग ये बस जो है परिवहन सेवा का वो स्टरलाइज कर रहे हैं, जंतुनाशक से उनको साफ़ सुथरा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो महामारी आई है ये हमारे पब्लिक को हमारे यहाँ के रहवासियों को ना हो, इसके हमारी सुधार करना और इसे लोगों को जागरूक करके इन महामारी से बचने के लिए हम लोग एक बहुजन विकास आघाड़ी एवं महानगर पालिका की ओर से और किस तरह के कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत सा फवरनी है, बहुत साफ सुथरा हो रहा है शहर, जहाँ हम बहुत कचरे का कुछ ऐसा दिख रहा है उसके ऊपर हम स्टरलाइज कर रहे हैं, फवरनी कर रहे हैं, जिसके कारण ये जो हवा में तो फैलता नहीं है, ये जो कोरोना का जो सेसो उसका कुछ साइज है वो ज़मीन पे गिरता है या ज़मीन से गिरने से किसी के बदन से अगर लगातार चिपका होता है तो उसको उसके तरफ से उसको उसका ध्यान हटाना, साफ सुथरा रखना, हर बार स्टरलाइज करना, साबुन से हाथ धोना, ये करने के लिए जिधर जिधर हमको मौका मिल रहा है लोगों को ये सूचित करने के लिए उधर उधर जाके हम लोग फवारनी वहाँ को लोगों को समझ देना, उनको मास्क लगाने का, मास्क ना होएगा तो सादा अपना रुमाल होएगा वो भी आप लगा सकते हैं और इससे रोक सकते हैं, इसके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। मेरा नाम श्रद्धा भवन कदम, मैं वार्ड क्रमांक 55 की वार्ड अध्यक्ष हूँ और यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी की सब महिला कार्यकर्ता भी है, जैसे सब है, गायत्री मैडम है, पिंकी मैडम है, सब कार्यकर्ता है, पुष्पा मैडम है, तो सब लोग हम लोग कल से यहाँ पे हैं और जैसा आमदार श्री दादा ठाकुर इनका मार्गदर्शन से ये सब बड़ी कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे जो महिला है एकत्रित हो गए कार्रवाई सब कार्यकर्ता है, तो यहाँ बस डिपो में हम लोग जो सफाई कर रही है कामगार जो सफाई कर रहे हैं वहाँ पे देख रेख कर रहे हैं और जो बाहर से पब्लिक आती है बस में बैठने के लिए उनको सैनिटरी नैपकिन भी दे रहे हैं क्या और उनको क्या सुविधा यहाँ से जाने का टाइम मास्क भी दे रहे और बोल रहे हैं क्या कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे आमदार माननीय श्री क्षितिजी ठाकुर दादा इनके मार्गदर्शन के नीचे ये हम लोग सब सुविधाएं कर रहे हैं और 31 मार्च तक हम लोग ने ये सोचा है कि ये कार्य ऐसे ही चालू रहेगा, अगर उसके आगे ही करना पड़ा तो हम कार्यकर्ता सब तैयार है, सिर्फ लोगों ने थोड़ी दक्षता लेनी चाहिए। जो बॉम्बे से अभी लोग आते हैं ऑफिस से छूट के उनके कारण यहाँ कहीं फैला ना हो कोरोना, इसके लिए हम लोग उसकी दक्षता ले रहे हैं। वहीं रेलवे परिसर में भी बविया के नगर सेवक साफ सफाई व जनता को कोरोना वायरस से जागरूक करते नजर आए। ना आम्ही असं म्हणजे आमच्या महापालिकेने असं ठरवलं आहे की आपलं स्टेशन आता आम्ही स्टेशन घेतो, ह्याच्यापूर्वी आम्ही बसेस घेतले होते क्लीन करायला, आज आम्ही रेल्वेचे प्लॅटफॉर्म घेतो क्लीन करायला की जेणेकरून येणारा जो आपला म्हणजे इथला रहिवासी आहे यांना कोरोना बाधित व्हायला नाही पाहिजे, आम्ही तत्पर म्हणजे जेवढी काळजी घ्यायची तेवढी आम्ही काळजी घेतो। आमच्या म्हणजे नायगाव वसई स्टेशन नालासोपारा स्टेशन विरार स्टेशन च्या परिसरात सगळीकडे चालू आहे। कोरोना के विषय में हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर
और आमदार श्री क्षितिजी ठाकुर, इनका एक संयुक्त अभियान चलाया है उन्होंने कोरोना मिशन। इस कोरोना मिशन में नाला सुपरा विरार रोसई में सभी जगह पे जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है, रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, अपना परिवहन की बस डिपो है, नाला सुपरा ईस्ट वेस्ट, बसे ईस्ट वेस्ट, विरार ईस्ट वेस्ट, पूरी जगह पे रेलवे स्टेशन, बस डिपो, रिक्शा स्टैंड, जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना। और ये जो औषध पवाड़ी वगैरह छाट के और पूरा नाला सुपरा में किसी भी प्रकार की ऐसी वायरस न पैदा हो, एक भी केस हमारे पास में नहीं है, लेकिन हम लोग पूर्व तैयारी करके ऐसा ये कर जागरूकता ला रहे हैं। नमस्कार, वसई विरार महानगरपालिकेची मी नगरसेविका आहे। आपले लोकनेते आमदार हितेंद्र ठाकूर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही इथे सतत कार्यरत असतो। जसं आम्हाला कळलं इथे कोरोनाचा इथे उत्पन्न झालेलं आहे, तसं आम्ही सर्व कामाला लागलेलो आहे। वसई विरार महानगरपालिकेतर्फे खूप महत्त्वाची कामं चालू आहेत। आमचे जे आरोग्य केंद्र आहे ठिकठिकाणी, तिथूनही आम्ही प्रत्येक घरी जे GNM असतात, ANM असतात, त्यांना पाठवतो आहे। आणि खास करून जे आपले प्रवासी आहेत जे बाहेर गावावरून इथे येत आहेत, त्यांची आम्ही चाचणी करत आहोत आणि त्यांना जेवढी आवश्यक सेवा आहे तेवढी आम्ही पुरवतो। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्ट, टीव्ही न्यूज की एक रिपोर्ट।